अस्सलामुअलैकुम जी, आल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वेजिटेबल रेसिपी है मेरे पास। सब्ज़ियाँ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं जी, सबको खाना चाहिए। और जो लोग नहीं खाते ना, उनके लिए ये रेसिपी है कि कितनी ज़बरदस्त बनेगी आप देखेंगे। बहुत ही मुनफरद डिफरेंट सी रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाए और आपको भी समझ आए मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। लाइक कमेंट शेयर लाजमी करिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े। और इसके अलावा जो नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें। टाइम वेस्ट नहीं करती, आप कहेंगे बहुत ज़्यादा बोलती है। तो यहाँ पर मैंने एक कप मटर लिए हैं और यहाँ पर मैंने ली है एक किलो गोभी, लेकिन ये थोड़ी सी है, बाकी जो है वो अभी मैंने काटनी है। तो एक किलो गोभी ली है और मटर लिए हैं मैंने एक कप। आप क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ज़्यादा कम। इंग्रेडिएंट्स बाकी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। यहाँ पर एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर मैंने तकरीबन 100 ग्राम घी में फ्राई करना शुरू की है। और प्याज जो है हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, बस हल्का सा कलर देंगे हम इसको। प्याज हो गई है हल्की सुनहरी। अब हम इसमें एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। ठीक है जी, इसको भी करेंगे हम एक मिनट तक फ्राई। इसकी महक ख़त्म करने के लिए कच्ची। याद रखिए जी, सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, स्पेशली ये जो लहसुन अदरक और प्याज होते हैं, ये इनका मैं बताती हूँ आपको। एक मैंने कप जो है टमाटर प्यूरी है, दो दर्द बड़े साइज के टमाटर लेकर मैंने उसका पेस्ट बना लिया, ये मैंने इसमें शामिल किया जी। लहसुन अदरक और प्याज के बारे में कहा ये जाता है, बड़े ये कहते हैं कि ये अपनी जो बॉडी के जो असरात होते हैं वो सारे अपने आप पर ले लेते हैं, इंसान तक पहुँचने ही नहीं देते। ये इतनी अच्छी चीज़ होती है, तो ज़रूर खाया करें सब्ज़ियाँ। अच्छा, अब हम इसको तकरीबन एक मिनट फ्राई करने के बाद मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में मेरे पास जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नमक मिल गया है एक चाय का चम्मच, आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। आधा चम्मच ज़ीरा है, दो चुटकी कलौंजी है, ये बालीपन ख़त्म कर देगी। आधी चाय का चम्मच हल्दी है, एक चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है, आधी चाय की चम्मच दड़ा मिर्च है, बहुत अच्छा लुक और बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। मेथी डालना बहुत ज़रूरी है, आप डाल कर देखेंगे कि कितना अच्छा फ्लेवर हो जाएगा इसका। अजवाइन है, ये भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर लेकर आएगी, एक दो चुटकी अजवाइन ले लें। तमाम मसाले इसमें डाल दिए मैंने, अब हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। अच्छा जी, मसाला अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना अच्छा सा भून चुका है, ऑयल इसका अलग हो चुका है। तो अब यहाँ पर मटर और जो गोभी है तो मैं ये शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मिक्स कर देंगे इसको। बाकी की गोभी जो है वो भी हम डाल देंगे। और मिक्स करेंगे, और पानी हमने इसमें नहीं शामिल करना। अगर आप समझते हैं कि मसाला बहुत ज़्यादा जलने के करीब है तो आप एक थोड़ा सा पानी बिल्कुल एक दो घूंट शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये गोभी अभी अपना पानी छोड़ेगी। और अब हम इसको मिक्स करने के बाद है ढक्कन लगाकर दम वाले फ्लेम पर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। ये मिक्स कर दिया हमने, और अब यहाँ पर हम मसाले शामिल करेंगे। ज़ीरा है हमारे पास, ज़ीरा पाउडर आधी चाय के चम्मच, और धनिया पाउडर आधी चाय के चम्मच, ये हम इस पर डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको दम वाले फ्लेम पर ले आएंगे और ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम देखते हैं खोलकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी, एकदम से खुशबू आई है बहुत ज़बरदस्त किस्म की। और मैंने आपको कहा था ना कि इसमें पानी नहीं डालना, गोभी अपना पानी खुद छोड़ेगी। तो ये देख सकते हैं आप कि गोभी गल चुकी है बहुत अच्छे से माशाल्लाह, क्योंकि मैंने दम वाले फ्लेम पर रखा हुआ था और स्टीम में ये पक चुका है। ये देखें, बिल्कुल गल गई है गोभी, माशाल्लाह टूट रही है हाथ लगाने से भी, और मटर भी गल चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ना, हम हरी मिर्चें
मैंने दो अदद हरी मिर्चें काटी हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। और हरा धनिया डालती हूँ, बाकी मैं गार्निशिंग के लिए रख लेती हूँ। और यहाँ पर आधी चाय की चम्मच मैं पिसा हुआ गर्म मसाला शामिल कर रही हूँ। गोभी में बहुत अच्छा लगता है और ज़रूरी भी है डालना, क्योंकि गोभी बादी होती है, तो इसलिए। तो इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 3 मिनट में मज़ीद पकाऊँगी इसको तेज़ आँच पर, ताकि इसका पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए और सिर्फ ऑयल रह जाए। उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ, आप देखेंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा इंशाल्लाह। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारा मटर मसाला जो है, गोभी मटर मसाला तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त है, मुँह में पानी आ रहा है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ फिर लाइक का बटन दबा दीजिए और इसको शेयर भी ज़रूर करें, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएं। और आपने वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना होता है, ये आपको पता है, क्योंकि मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, तो मेरा वॉच टाइम पूरा करने के लिए आपको मेरी हेल्प करनी है, मेरा वॉच टाइम पूरा करवाना है। वीडियो को एंड तक देखना है। नए आने वाले जब बेल आइकन जब नए आने वाले प्रेस करें बटन को सब्सक्राइब के, तो फिर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।